अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं बांग्लादेशी भाई हैं जिनको वीज़ा मिला है जी बांग्लादेशी पासपोर्ट पे, जापान का वीज़ा मिला है। और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जहां तक बात की जाए तो दो कंट्रीज़ की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, इंडिया की थी, तुर्की की थी, और इसके अलावा कोई इनका ट्रैवल नहीं था। और जहां तक दोस्तों मैं एक चीज़ बताता चलूँ, सिचुएशन अभी की वो भी बताया था, लेकिन ये भाई को वीज़ा पहले मिल गया था, 11 नवंबर को वीज़ा मिल गया था, मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। भाई हमारे पास आए, भाई थोड़ा काम में बिजी थे इस वजह से नहीं आ सके, आ जाएँ तो आज हम इनके साथ वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, जापान की बात की जाए या यूएसए की बात की जाए, किसी भी कंट्री की बात की जाए, आप हर कंट्री का वीज़ा ले सकते हो, फाइल अच्छे तरीके से बना के अगर प्रेजेंट अच्छे तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलता है। जहाँ तक अभी सिचुएशन की बात करूँ जापान की, तो दोस्तों आपको पता है जापान ने अपॉइंटमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी में जा सकते हो। और अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कैसे लेनी है, क्या इसका तरीका कार है। हम जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं, हम उनको एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से हम उनको भी बताते हैं और हम खुद भी करते हैं। अपॉइंटमेंट्स आती हैं, समटाइम डिले हो जाती है अपॉइंटमेंट और समटाइम जल्दी आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपने अगर दो तीन लड़कों ने एकदम से मेल किए तो सबकी एक साथ आ जाएंगे, किसी की जल्दी आएगी, किसी की लेट आएगी अपॉइंटमेंट, लेकिन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंट्स दोस्तों 3 मंथ की एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, पासपोर्ट पिक्चर और NOC चाहिए होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हों तो आप डेफिनेटली दोस्तों वीज़ा ले सकते हो। जहाँ तक बात करूं लो बैंक स्टेटमेंट हो या फिर जिनकी वीज़ा डेजिग्नेशन लो है, क्या वो नहीं अप्लाई कर सकते? दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जापान हो, कोई भी दुनिया कंट्री हो, किसी ने ये नहीं कहा हुआ कि हमारे पास पहले इन इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ, इतनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 8-10-12 हज़ार रुपये अभी आपके अकाउंट में है, इनफ है, आप अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। कोई भी वीज़ा डेजिग्नेशन है, अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप हमारे पास आए, आपने हमारे से हमारी सर्विसेज ली, हम पर बिलीव किया और आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया। मैं दोस्तों ये वीज़ा इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया हुआ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।